हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू। सभी छोटे और बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज कुछ खास बनाएंगे। तो गाइज, आज हम बहुत ही स्पेशल चटनी बनाने जा रहे हैं। तो देखो, उसको बनाने के लिए हमें पहले तोरी चाहिए है, और तोरी को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, और इसका थोड़ा सा मोटा छिलका उतार लेंगे। तो ये देखो, ये मैंने ना थोड़ा सा मोटा छिलका उतारा है, और इनको भी मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। तो अभी हम लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लेंगे हम ऑयल। तो मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ, आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हो आप वो ऑयल ले लेना, या तेल ले, जो घी ले लेना, जो भी आपकी इच्छा है। तो मैंने कड़ी पत्ते तोड़ के फ्रीज में रखे हुए हैं, तो उसको मैं अब धो के, और अभी सबसे पहले मैं कड़ी पत्ता डालूंगी इसमें, और इसके बाद हम जीरा डालेंगे और दोनों को थोड़ा सा चलाएंगे। तो गाइज, हम क्यों वेस्ट करेंगे, इतना महंगाई का ज़माना है तो हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, जो कि पौष्टिकता से भरपूर है। आप तोरी हरी सब्जी है, तो देखो तोरी तो कितनी पौष्टिकता से भरपूर होती है। और अभी हमने थोड़ी सी चना दाल ली है, ज़्यादा नहीं ली है, एक टेबल स्पून भी नहीं ली है हमने, एक टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ली है। और अभी इसको हम अच्छे से भूनेंगे इसी के साथ में। और अभी हमने ले ली है मूंगफली, मूंगफली हमने ली है 3 टीस्पून लगा लो या फिर 1 टेबलस्पून लगा लो। तो इनको भी हम अच्छे से भूनेंगे। और ये मैंने कम से कम 20 कली लहसुन की ली हैं, और इसको भी साबुत इसमें डाल दूंगी, और इसको भी चलाते रहेंगे, और ऐसे आराम से। बहुत तेज गैस नहीं की है मैंने, मीडियम गैस रखी है, और मीडियम गैस पे इसको अच्छे से चलाएंगे हम। और अभी इसमें डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्च, क्योंकि चटनी तो तीखी ही अच्छी लगती है, तो इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे। और ये देखो, ये होने लगी हैं अभी हमारी, अच्छे से इसको चलाते हुए। और अभी देखो, तोरी के जो छिलके हैं हम उनको इसमें डाल देंगे, और इसको भी बराबर चलाते रहेंगे। तो गाइज देखो, तोरी के छिलके फेंक देंगे तो क्या फ़ायदा है, और तब इससे इतनी अच्छी डिश जो हमारी बन रही है, और ये जो चटनी बन के तैयार होगी, इसको आप 4 से 5 दिन फ्रिज में आराम से रख सकते हो। लेकिन 4-5 दिन वो चलेगी या नहीं चलेगी, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी इसमें हमने नमक डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से गल जाएंगे हमारे तोरी के छिलके, और ये जैसे जैसे भुनेंगे वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो ये देखो, इसकी क्वांटिटी कम होने लग गई है, और इसको भी हम बराबर चलाते रह रहे हैं। और अभी हम इसमें हल्दी डाल देते हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और कुछ और डालेंगे वो बाद में डलेगा, अभी इसको हमने चलाना है अच्छे से। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूंगी, लेकिन बीच में चला दूंगी ताकि ये जल्दी हो जाए। तो ये देखो, ये हमारे बिल्कुल भुनने लग चुके हैं अच्छे से, और इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो चुकी है, ये देखो ये भुन चुके हैं। तो अभी जो इसमें हम और डालेंगे वो अभी लास्ट में ही डलेगा। तो गाइज, अभी इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, अगर लाल मिर्च हम पहले डाल देंगे तो वो जल जाएंगी, और पहले भी हम हरी मिर्च डाल चुके हैं, बट चटनी तीखी अच्छी लगती है। और ये हमने डाले हैं सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट में ही डाली हैं, अभी इसको और थोड़ा चलाएंगे, और थोड़ा चलाने के बाद अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे। ये अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, और थोड़ी देर आप अगर बाउल में निकाल के ठंडा करना चाहते हैं तो आप बाउल में निकाल लेना, बट मैं इसको कढ़ाई में ही ठंडा करूंगी। तो
मेरे पास टाइम है तो कढ़ाई में ठंडा कर लूँगी और इस पे मैं जाली ढक दूँगी। और अभी ये देखो हो गया है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और तोरी तो सीजन वाला सब्जी है, सीजन में जो भी सीजनेबल सब्जी होती है उसको हमें जरूर जरूर खाना चाहिए। और ये बहुत ही पौष्टिक होती हैं। और ये मैंने ढक दिया और गैस की फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑफ। तो गाय जी ये ठंडा हो गया है तो मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है। इसको बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसको थोड़ा दरदरा पीसना ताकि जो जो इसमें हमने डाला है उसका हमें फ्लेवर आता रहे, जो जैसे टच करेंगे ना मुंह में जाएगा तो ये आता रहे। और इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या पूरी के साथ आप जैसे मर्जी खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपके काम की हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।